लिखो, ये फॉर्मूला जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो इसको कैसे प्रूव करेंगे। एनएचटर्न फॉर्मूला एक्सरसाइज जो है 5.2 ही है। अभी क्या कर रहे थे हम लोग, पढ़ रहे थे a प्लस एन माइनस वन इंटू ये क्या था, एनेटर फ्रॉम द बिगिनिंग। अभी ये क्या था, बिगिनिंग से स्टार्ट हो रहा था। यानी अभी हम दिए हुआ जैसे सीरीज दिया हुआ था 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, तो हम बोले तुमको 50 टर्म बताओ तो तुम बता दिए। किधर से काउंट कर गए, इधर से। अब हम पीछे से बोलेंगे, सीक्वेंस दिया हुआ रहेगा और पीछे से बोलेंगे, यानी लास्ट टर्म दिए, इसमें दो चीज देना होगा। जैसे हम यहां बोल देंगे 2000, कहां से क्या 2000, तो हम बोले इसका पीछे से बताओ 20 नंबर में कौन आएगा। यानी जैसे हम पीछे से बोलेंगे दो नंबर में कौन आएगा, पीछे से दो नंबर में कौन आएगा बताओ, यह आएगा। तीन नंबर में कौन आएगा, यस। चार नंबर में कौन आएगा, तो पीछे से 50 नंबर में कौन आएगा। तो ये था, अभी पढ़ रहे थे, ये बिगिनिंग के लिए था। ये क्या था, बिगिनिंग के लिए। तो इसी का जस्ट ऑपोजिट क्या होगा, इंड, फ्रॉम द इंड साइड। तो इसको प्रूव करते हैं, ऐसे तो याद कर लेना, याद कर लेगा तो काम बन जाएगा। पहले समझ लो इसका फॉर्मूला कैसे रिलीज हुआ, कैसे आया। यदि मान लो फॉर्मूला कैसे आया ये समझ में आ जाएगा तो याद भी करेगा और प्लस क्या बोलते हैं, फॉर्मूला भी जानेगा। तो दोनों हाथ तुम्हारे हैंड में रहेगा, तो तुम आसानी से क्या कर सकता है, कभी भी तुम अपना फॉर्मूला रिलीज कर भूल गया मान लो, फॉर्मूला तो रिलीज कर सकता है। तो यहाँ एल क्या है, लास्ट टर्म। एल क्या है, लास्ट। डी क्या है, कॉमन, और एन क्या है, एन एट टर्म, यानी नंबर ऑफ। क्लियर हो गया। हेडिंग दो, एल माइनस एन इंटू माइनस वन इंटू बी। तो पहले कैसे पढ़ता था, जैसे मान लो दिया है ए, यानी ए वन, ए टू, ए थ्री, ए फोर चलता रहेगा। मान लीजिए कहां तक गया, एन एट तक ए चलता था। यानी फर्स्ट टर्म हो गया ए वन, सेकेंड टर्म हो गया ए टू, थर्ड टर्म हो गया ए थ्री, फोर्थ टर्म हो गया ए फोर, ए फाइव, सिक्स, कहां तक, एन एट तक। क्लियर। यानी ए को क्या लिखता था, ए। और यदि हम मान लेते थे ले फर्स्ट टर्म बी ए एंड कॉमन डिफरेंस बी डी, तो सेकेंड टर्म मेरा क्या होता था, ए प्लस टू। थर्ड टर्म मेरा क्या होता था, ए प्लस टू डी। फोर्थ टर्म क्या होता था, हो गया। इसी तरह से यदि हम बोलेंगे लास्ट टर्म ये था, ये क्या था, लास्ट टर्म। तो इसके पहले वाला जस्ट कोई बता सकता है क्या आएगा, कितना आएगा। जैसे लास्ट टर्म ये आया ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यही इसी को बोलते थे ना। तो इसके पहले वाला क्या होगा, सिंपल सा है, उतना दिमाग लगाता है। ए एट है, इसके पहले वाला क्या होगा, ए सेवन होगा, इतना तो बोल सकता है।
इसके इसके पहले वाला क्या होगा, ए सिक्स होगा, इसके पहले वाला क्या होगा, ए फाइव होगा, यही ना होगा। तो अभी इसका मतलब यहां नहीं बोल सकता है कि एन माइनस वन होगा, बोल सकता है या नहीं बोल सकता है? तो इसके और इसके पहले बोलेंगे और एक घर बनाओ तो कितना मिलेगा, एन माइनस टू बोलेगा, बोलेगा ना, क्लियर yes. और एक घर आगे बोलेंगे तो थ्री बोलेंगे, समझ में आ गया? यानी सिंपल है, ए एट बोले, ए सेवन बोले, ए सिक्स बोले, ए फाइव बोले, इसके पहले बोलेंगे तो ए फोर बोलेगा, फिर ए थ्री बोलेगा, फिर ए टू बोलेगा, फिर वन चल जाएंगे लास्ट तक। तो अभी यदि हम इसका नाम यदि हम पूछे यदि हम यहां पूछे कि ए एन बराबर क्या होता है, तो तुम ये तो बोला है एन माइनस वन इंटू थ्री बोलेगा। तो एन की जगह में एन था इसलिए क्या किया, माइनस कर दिया, एक माइनस कर दिया। यदि मेरा एन माइनस वन रहता तो क्या करता, एन माइनस वन करते इंटू डी करते, देखो एन था इसलिए एन लिखे थे, एन माइनस वन है इसलिए एन माइनस वन लिखेंगे, लिखेंगे ना yes. यानी इसी को यदि दूसरा लैंग्वेज में बात करें तो ये बात करेंगे, इसी का यदि बात करेंगे एन माइनस टू तो क्या लिखेंगे, ए प्लस एन माइनस टू माइनस वन इंटू डी बोलेंगे बोलेंगे yes. तो क्या होगा, ए प्लस एन माइनस थ्री इंटू डी बोलेंगे, यही चल रहा है yes, yes. इसका मतलब ये समझ में आ गया ना, क्लियर yes, yes. यदि ये निकालना रहता तो आराम से निकाल लेते, हो गया। इसके बाद यदि इसी क्वेश्चन को हम और छोटा कर दे, यानी एक तो इस तरह से बोल सकते हैं, यानी इसके बाद वाला जो आएगा ये आएगा, इसके बाद वाला जो आएगा ये आएगा, इसके बाद जो आएगा ये आएगा, एन माइनस टू ये वाला है, एन माइनस वन ये वाला है, ये इसी को रिपीट करके लिखे हैं, क्लियर। तो अब यदि ये समझ में आ गया तो अब हम इतना बड़ा नहीं लिखकर यदि हम इस तरह लिखे, यदि हम इसका नाम लास्ट टर्म है, क्या टर्म है लास्ट, इतना बड़ा नहीं लिखकर यदि हम इसको एल लिखे तो कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम एल लिखे तो? तो अब थोड़ा सा ये समझो, जैसे मान लो टू फोर सिक्स और हम यहां ले लिए ट्वेंटी, तो 20 के पहले हमको पता है कि दो दो का डिफरेंस है, कितना का डिफरेंस, यानी कॉमन डिफरेंस कितना है, दो का है। यदि हम बोलेंगे 20 के पहले क्या आया होगा तो तुम आसानी से बोलेगा 18 आया है, यदि बोलेंगे 18 से पहले क्या आया है 16 आया है, 16 से पहले क्या आया है, इसका मतलब यदि हम एल बोल दिए इसको और इस सिस्टम को ए बोल दिए, क्या बोल दिए, ए बोल दिए और इसको बोल दिए ए टू बोल दिए ए वन, तो डी मेरा कितना निकल गया, ए टू माइनस ए वन इक्वल टू फोर माइनस टू इक्वल टू टू। यानी यहां क्या देख रहे हैं, लास्ट टर्म यदि हमको पता रहेगा तो हमको सेकेंड लास्ट टर्म जो निकालना रहेगा एल माइनस डी बोलेंगे बोलेंगे और इसके फिर जस्ट जाएंगे तो फिर एक डी घटा देंगे एल माइनस फिर डी बोलेंगे, फिर एक बार बोलेंगे एल माइनस डी फिर डी फिर एक डी, और इसको यदि बोलेंगे तो एल माइनस टू डी बोलेंगे, इसको बोलेंगे एल माइनस फिर डी बोलेंगे। समझ में आया पैटर्न, समझ में आ गया आप यहां तक, क्लियर। साइड में कुछ लिखना है तो लिख सकता है, देखो यदि इफ लास्ट टर्म डी एल एंड कॉमन डिफरेंस डी डी, तो लास्ट टर्म देखो यदि हम बोलेंगे लास्ट टर्म क्या होगा एल, देखो यहां पहले समझ लो क्या होगा एल, सेकेंड लास्ट टर्म एल माइनस डी, ये वो डी घटा देंगे, थर्ड लास्ट टर्म इसके बाद एल माइनस, यानी देखो यहां पे यदि मान लो बात करते हैं 20, 20 के बाद हम बोले 20 माइनस टू यानी 18, क्योंकि यदि हमको फर्स्ट टर्म पता है लास्ट टर्म पता है 20 है और कॉमन डिफरेंस 2 है तो क्या बोलेंगे 20,
इसका बोलेंगे 20 माइनस 2, इसका क्या बोलेंगे 20 माइनस 2 इंटू 2 यानी 16 बोलेंगे, इसका 20 माइनस 2 इंटू 3 यानी क्या बोलेंगे 14 बोलेंगे। ये हो गया लास्ट टर्म, ये हो गया सेकेंड लास्ट टर्म, यानी लास्ट टर्म के बाद क्या आया सेकेंड लास्ट टर्म, इसका थर्ड लास्ट टर्म, फोर्थ लास्ट टर्म, फिफ्थ लास्ट टर्म, समझ में आ गया। यानी जैसे एनएथ टर्म लिखते थे तो यहां क्या लिखेंगे, इसको ही बोलेंगे एनएथ टर्म फ्रॉम द इन, इसी को ना बोलेंगे लास्ट टर्म, बोलो पहले से जाते थे तो लास्ट टर्म बोलते थे, अभी क्या एनएथ टर्म बोलेंगे लास्ट से आ रहा है, यही ना, यानी लास्ट टर्म के नाम से जानते थे। तो यदि हमको यहां से बोल देता एनएथ टर्म निकालना है यानी एन नंबर में कितना आया, ये नाम इसको तो क्या बोलेंगे सिर्फ लास्ट टर्म बोल देते हैं, इसको क्या बोलेंगे लास्ट टर्म बोल देते हैं। यदि हमने यहां से आएगा मान लो जैसे ये बोलेंगे जैसे लास्ट टर्म को काउंटिंग करते हैं, मान लो यहां लिखते हैं T1 पहला मतलब लास्ट से, ये T2 हो गया, क्या हो गया T2, ये क्या हो गया T3, ये क्या हो गया T4, क्लियर। इसी तरह यदि बोलेंगे T5 बोलोगे क्या बोलेगा L-4B, यदि बोलेंगे T6 बोलो L-5, T7 बोलेंगे L-6, ओके समझ में आ रहा है, क्लियर। तो अब लिख देते हैं दो लाइन में, फर्स्ट टर्म फ्रॉम द गिव यानी T1 फर्स्ट टर्म फ्रॉम द वन क्या लिखेंगे L, सेकेंड टर्म फ्रॉम द इन, सेकेंड टर्म क्या लिखेंगे L माइनस D, थर्ड टर्म फ्रॉम द इन क्या फिफ्थ टर्म फ्रॉम द इन क्या हुआ बोलो बस इसका इंतजार था हुआ। एनएथ टर्म फ्रॉम द इन क्या किया, फर्स्ट है तो 0 to D घटा दिया, सेकंड है 1 घटा दिया, थर्ड है 2 घटा दिया, फिफ्थ है 4 घटा दिया, एन है एन को नहीं एन माइनस 1 घटा दिया, समझ में आया, यही हो गया प्रूफ, क्लियर। देखो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसी पे डिपेंड है, इसी फॉर्मूला पे, तो तुम्हारे पास क्या होना चाहिए जो ये क्वेश्चन का सॉल्व कर सकता है, सारा कुछ दिया हुआ है। देखो इस फॉर्मूला में क्या है, L माइनस एन माइनस 1 इंटू डी यानी तीन टर्म आया है, कौन कौन L N और D, चौथा टर्म निकालना है जो पूछ रहा है क्या एन एथ टर्म, तो यहां तुमको दिया हुआ है सबसे पहले हियर A1 कितना है, ठीक है A2 कितना है, तो D आसानी से निकल गया मेरा कितना 5, एनएथ टर्म भी दिया हुआ है कितना 253, इसको हम लोग दूसरा भाषा में L लिख सकते हैं क्या 253, तो हमको कितना नंबर का टर्म बोला है 20 टर्म फ्रॉम द इंड, इंड मतलब लास्ट, क्या होगा इसका फॉर्मूला पहले L माइनस 20 माइनस 1 इंटू डी बोलेंगे, तो तुमको L दिया हुआ है 253 19, डी का मान दिया हुआ है 5, तो 253 माइनस 95, 13 में 5 जाएगा 8, 14 में 9 जाएगा 5, 150 8,
समझ में आया। यही क्वेश्चन का आंसर देने के लिए इतना दिमाग लगाना पड़ा हमको, पहले फॉर्मूला प्रूव करेंगे तब। देखो यहाँ पे दो एपी दिया हुआ है, क्या है पहला 63, 65, 67 यही है। A1 63, A2 कितना हो गया 65, D कितना हो गया बोलो, A2 माइनस A1 यानी 65 माइनस 63 इक्वल टू। इसका यदि nth टर्म को लेंगे तो क्या बोलेगा, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी बोलेगा क्या, a कितना है 63, n पता है क्या नहीं पता है, d पता है तो लिख सकते हैं, यानी इसको अच्छा सा और लिखेंगे तो 2n माइनस 2 लिखेंगे और इसको और थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो ये होगा, यानी इस ap का nth टर्म ये होगा होगा। देखो अभी किसका nth टर्म इस एपी का निकल गया, यानी इस एपी का यदि बात करेंगे nth टर्म कितना निकल गया 61 प्लस 2n। अब सेकंड एपी तुमको दिया है, ऑल्सो दूसरा एपी क्या दिया 3 10 17, तो फर्स्ट टर्म कितना हो गया इसका 3, सेकेंड टर्म कितना हो गया 10, डी कितना हो गया 10 माइनस यानी कितना हो गया 7। इसका एनेट टर्म क्या होगा, एडेस मान लेते हैं, इसका एडेस क्या मान लेते हैं, पहले तो एन माने हैं, इसका एडेस मान लेते हैं क्या, फॉर्मूला तो यही होगा, पहला टर्म क्या है 3 और डी कितना आया है 7, इसको सॉल्व करो थोड़ा सा क्या होगा 3 प्लस 7 एन माइनस 7 यानी क्या लिखेंगे 7 एन माइनस लिखेंगे, यानी इसका एनेट टर्म कितना निकल गया 7n माइनस 4, क्लियर समझ पाया। तो अब क्वेश्चन को पढ़ो, बोलता है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n, यानी n का कौन सा मान, यानी n का कौन सा मान इस दोनों एपी के लिए इक्वल है, यानी इस दोनों को हम लोग क्या करेंगे इक्वल कर देंगे, क्या कर देंगे इक्वल कर देंगे। तो देखो इक्वल कर देते हैं, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो बोल रहा है कौन सा मान, हम लोग मान लेते हैं 61 प्लस 2n इक्वल टू 7n माइनस 4, तो क्या होगा ये उधर जाएगा ये इधर आएगा, तो 61 प्लस 4 इक्वल टू 2n प्लस 7n सॉरी 7n माइनस 2n, तो क्या होगा 65 इक्वल टू 5n, तो n इक्वल टू कितना हो गया 13, कितना आ गया 13, तो कितना नंबर का टर्म बोलता है, बोलता है n का वैल्यू निकालिए, n का वैल्यू कितना निकल गया 13, तो बोल रहा है ना ये दोनों ap का क्या है nth टर्म, यहां देखो क्वेश्चन पढ़ो, फाइंड द वैल्यू ऑफ n जब जब nth टर्म ऑफ n 2ap आर, ये दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तब लिखिए n का वैल्यू कितना निकल गया 13, समझ में आया। अब तुमको विश्वास नहीं होता है तो तुम यहां ठीक कर सकती है, यानी आंसर निकालने के लिए, तो यहां पे देखो n का मान बैठाओ अभी चेक करने के लिए, 61 प्लस 13 इंटू 2 कितना होगा 26, 7 87 आ गया, n का मान 13 7 जा 91 माइनस 4 कितना हो गया 87 आया, समझ में आया क्वेश्चन। ये आंसर भी तुम एग्जाम में चेक कर सकती है कि जो हम बनाए वो सही है या नहीं है। देखो यहां बोल रहा है डिटरमाइन द एपी, तुमको एपी का सीक्वेंस निकालना है यानी एपी बनाना है, तुमको दिया हुआ है थर्ड टर्म कितना है 16, तो आसानी से लिखेंगे 13 इक्वल टू 16, इसका बोलता है 7 टर्म एक्सीड ज्यादा है, यानी 7 टर्म इसको दूसरा लैंग्वेज में क्या लिखेंगे a प्लस 2d इक्वल टू इक्वेशन वन लिखेंगे, इसका क्या बोलता है 7 टर्म एक्सीड है ज्यादा है किससे
फिफ्थ टर्म से कितना, बारह, यानी यही है बोल रहा है, हम इसको उठाकर इधर लेकर चलाएंगे, इक्वल टू क्या होगा, ट्वेल्व होगा, और ए सेवन को हम क्या लिख सकते हैं, सिक्स डी लिख सकते हैं, और ए फाइव को क्या लिख सकते हैं, फोर डी लिख सकते हैं, इक्वल टू ट्वेल्व लिखेंगे। अब क्या हो गया, ए प्लस सिक्स डी माइनस ए प्लस माइनस फोर डी इक्वल टू ट्वेल्व, ए और ए क्या हो गया कैंसिल, सिक्स में से फोर गया कितना हो गया टू डी, और इक्वल टू डी का मान कितना निकल गया सिक्स फ्रॉम वन, तो क्या होगा ए प्लस टू डी का मान कितना निकला सिक्स इक्वल टू, तो ए प्लस ट्वेल्व इक्वल टू सिक्सटीन, यानी ए इक्वल टू कितना होगा सिक्सटीन माइनस ट्वेल्व, यानी ए इक्वल टू फोर, तो फर्स्ट टर्म निकल गया। अब यदि हम सेकेंड टर्म निकालेंगे तो ए प्लस डी यानी क्या होगा फोर प्लस सिक्स यानी कितना हो गया टेन, ए थ्री ए प्लस टू डी यानी फोर प्लस टू इंटू सिक्स कितना होगा ट्वेल्व और फोर सिक्सटीन, तो हमको एपी बनाने बोला था, हेंस एपी, फर्स्ट टर्म कितना निकला फोर, सेकेंड टर्म कितना निकला सिक्स, हो गया समझ में आया, तुमको एपी बनाने बोला था ना, सीक्वेंस बनाइए, तो तुमको क्या दिया था ए थ्री दिया हुआ था, और बोल रहा है सेकेंड टर्म एक्सीड है ज्यादा है किससे फिफ्थ टर्म, कितना यहाँ से एक सीक्वेंस मेरा डी निकल गया, हम यहाँ पे बैठा दिए ए निकल गया, ए निकल गया तो मेरा क्या बन गया सीक्वेंस बन गया, समझ में आया सर, नंबर वो जो था ना फिर देखो यहाँ क्या बोल रहा है, ये क्वेश्चन देखो बोलता था सम ऑफ द फोर्थ टर्म और एट टर्म, यानी गिवन ए फोर प्लस ए एट इक्वल टू कितना दिया हुआ है ए प्लस कितना लिखेंगे थ्री डी, और ए प्लस कितना होगा तो ए और ए कितना हो गया टू ए, थ्री प्लस सेवन कितना हो गया टेन डी इक्वल टू ट्वेंटी फोर, अब देखो टू कॉमन आ गया ए प्लस फाइव डी इक्वल टू ट्वेंटी फोर, तो टू कटेगा कितना होगा ट्वेल्व, यानी ए प्लस फाइव डी कितना हो गया एक नंबर इक्वेशन निकल गया। इसके बाद देखो फिर बोलता है एंड सिक्स टर्म और टेन टर्म ऑल्सो सिक्स टर्म कितना होगा प्लस टेन टर्म इक्वल टू कितना दिया हुआ है फोर्टी फोर, तो सिक्स टर्म की जगह पर क्या लिखेंगे ए प्लस फाइव डी ए प्लस नाइन डी इक्वल टू फोर्टी फोर, टू ए प्लस फोर्टीन डी इक्वल टू टू इक्वल टू कॉमन लेंगे ए प्लस सेवन डी इक्वल टू टू कटेगा तो ए प्लस सेवन डी इक्वल टू ट्वेंटी, अब ए और डी का सॉल्व नहीं कर सकता, एक और दो को करके ए और डी का मान निकालेंगे, यानी क्या लिखेंगे फ्रॉम वन एंड टू ए प्लस फाइव डी इक्वल टू ट्वेल्व ए प्लस सेवन डी इक्वल टू ट्वेंटी टू माइनस, ये दोनों कैंसिल हो गया माइनस टू डी इक्वल टू माइनस टेन, तो डी का मान कितना निकल गया फाइव फ्रॉम वन, तो डी का मान निकल गया यानी ए प्लस फाइव इंटू फाइव इक्वल टू कितना हो गया ट्वेल्व, तो ए प्लस ट्वेंटी फाइव तो ए इक्वल टू कितना हो गया माइनस थर्टी, तो तुमको बोला था फर्स्ट थ्री टर्म निकालना है, तो एक टर्म निकला है पहला टर्म निकल गया, क्या निकालेगा इसके बाद ए टू ए प्लस डी, ए कितना है मेरा फाइव और डी कितना है मेरा थर्टीन कितना हो गया माइनस एट, फिर ए थ्री निकालेगा क्या बोलेगा ए प्लस टू डी यानी ए कितना हो गया फाइव थर्टीन यानी टू जा ट्वेंटी सिक्स यानी कितना हो गया माइनस ट्वेंटी वन, समझ में आया कि नहीं थी? तो तुमको एपी बोला है, एपी क्या हो गया आंसर, पहला टर्म हो गया कितना हुआ पहला टर्म हाँ डी तो फाइव है, देखो गलत हो गया, ए कितना है ए है माइनस थर्टी, डी कितना है फाइव, कितना निकल गया माइनस फाइव माइनस एट, और यहाँ क्या होगा
माइनस 13 प्लस 2 इंटू 5 यानी माइनस 3, यानी पहला टर्म निकाल सकता है ना जी इस तरह, अपने आप समझ में आया ना। ऐसे भी देखो यहाँ पे क्लियर को, यहाँ जगह स्पेस नहीं है। ए प्लस 5 डी इक्वल टू क्या है 12, ए प्लस 7 डी इक्वल टू क्या है 22। ए और डी का मान निकाल दिए, तो डी का मान कितना निकला 5 और ए का मान कितना निकला माइनस 3, तो पहला टर्म कितना हुआ माइनस 3। फिर 5 को माइनस करेंगे तो कितना होगा माइनस 8, फिर 5 को माइनस करेंगे तो कितना होगा माइनस 3। तो ये फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म और ये थर्ड टर्म, तो यही ना बोला फर्स्ट 3 टर्म निकालिए, समझ में आया।